आज 9 जून है और आज के दिन वीर बंदा बैरागी की शहादत के रूप में हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। वीर बंदा बैरागी जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 को रजौरी जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके पिता का नाम माधवदास बैरागी था तथा इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव बैरागी था। बचपन से ही इनका शरीर हष्टपुष्ट था और ये शिकार के बड़े शौकीन थे। एक बार जब शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं तो एक तीर इनका एक हिरणी को लग जाता है जो गर्भवती होती है। उस तीर के दर्द से उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो 3 बच्चों को जन्म देती है और वो मर जाती है। कुछ ही देर बाद वो 3 बच्चे भी मर जाते हैं। इस घटना से उनका हृदय बड़ा ही आघात होता है और वह राजपाट सब छोड़कर एक सन्यासी की भांति एक गुफा में जीवन यापन करते हैं। कुछ दिनों बाद गुरु गोविंद सिंह उनसे मिलने आते हैं और उनकी रणकौशल देखते हुए उन्हें वापिस अपने धर्म और अपने राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें आग्रह करते हैं। तब गुरु गोविंद सिंह द्वारा दिए गए 5 तीर और निशान के रूप में कुछ चीजों को लेकर वह वापिस युद्ध भूमि में जाते हैं और अपने धर्म और अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हैं। उस समय सरहिंद का वजीर खान जो वहां का नवाब हुआ करता था उसके साथ उनका युद्ध होता है और उस युद्ध में उस सरहिंद के नवाब वजीर खान को वे मार देते हैं। यह वही वजीर खान था जिसने सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर को गिरफ्तार किया था, उन्हें यातनाएं दी थी तथा उस जल्लाद को जलाउद्दीन को भी यह मारते हैं। इसी जल्लाद ने गुरु तेग बहादुर को यातनाएं देकर उन्हें भी शहादत के लिए मजबूर कर दिया गया था। कुछ समय बाद जब यह खबर दिल्ली के सुल्तान फारूक शेर तक पहुंचती है तो वो बौखला उठता है और हजारों की सेना के साथ बंदा बैरागी को दमन करने के लिए वो अपनी सेना के साथ भेजता है। दिसंबर 1715 को जब उनका संघर्ष चलता है मगर विश्वासघात होने के कारण उन्हें दिसंबर 1715 में बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बनाकर उन्हें गुरदासपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा होता है उस समय 1794 और भी सिख होते हैं जो बंदा बैरागी के साथ बंदी बना लिए जाते हैं। कुछ सिख सैनिक जो उस संघर्ष में मारे जाते हैं उनकी गर्दनें काटकर भालू की नोक पर रखकर उन्हें गुरदासपुर से दिल्ली ले जाया जाता है। जब बंदा बैरागी को पिंजरे में रखकर हाथी पर रखकर और उन्हें गुरदासपुर से लगाकर दिल्ली तक उन्हें यातनाएं दी जाती हैं तथा गर्म चिमटों से उन्हें बार बार दागा जाता है। वर्तमान में होर्डिंग लाइब्रेरी जो नई दिल्ली में स्थित है वहां पर 5 मार्च से लगाकर 16 मार्च 1715 तक प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को 100 सिख सैनिकों को यातनाएं देकर उन्हें मारा जाता था। 8 जून 1716 को बंदा बैरागी के गोदी में एक 5 साल के बच्चे को रख दिया जाता है जो उन्हीं का ही पुत्र होता है जिसका नाम होता है अजय सिंह और उन्हें कहा जाता है कि ये लीजिए तलवार और अपने बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए। मगर बंदा बैरागी ने मना कर दिया। तब जल्लाद ने उस बच्चे को उठाया और तलवार से 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करने के बाद उस छोटे से बच्चे का कलेजा निकालकर उस बंदा बैरागी के मुंह में ठूस दिया गया। आप सोचिए कि कितना ही हृदय विदारक और बर्बरता भरा दृश्य था। इससे बंदा बैरागी का शरीर और उनकी अंतरात्मा टूट गई। धीरे धीरे उनका शरीर अस्वस्थ होने लगा और अगले ही दिन 9 जून 1716 को उनका शरीर बेसुध हो जाता है और वो गिर जाते हैं। तब बहुत सारे जल्लाद उन्हें हाथियों के नीचे डाल देते हैं और पागल हाथियों द्वारा उन्हें कुचल दिया जाता है। तो 9 जून 1716 का यह दिन आज प्रतिवर्ष हम वीर बंदा बैरागी की शहादत के रूप में मनाते हैं जिन्होंने अपने धर्म और अपनी संस्कृति के आगे अपने पुत्र का बलिदान किया, अपना जीवन बलिदान किया, अपना सर्वोच्च बलिदान किया। कि लिख रहा हूं अंजाम कल उसका आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा।